डीएवी क्लास फोर एसएसटी चैप्टर नंबर 11 लेटेस्ट ट्रेवल क्वेश्चन सर करेंगे इसका हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट में कर लीजिएगा एयरवेज हो जाएगा, सेकेंड में रेड चिल्ली, थर्ड में म्यूल जिसे खच्चर बोलते हैं, और फोर में एक्सीडेंट। अब नंबर टू बी में आते हैं फिल इन द ब्लैंक में। तो सबसे पहले में क्या भरेंगे, बोट्स भरेंगे। नंबर टू में टेसल्स भरेंगे। नंबर थ्री में ट्रांसपोर्ट जहाँ यहाँ पे है, और नंबर फोर में ब्लॉक कट, ठीक है ब्लॉक है, और नंबर फाइव में रेलवेज जो कि यहाँ पे है, नंबर भी किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं सी में, सेक्शन सी में देखिएगा तो यहाँ पे है मैच द फ्लोइंग। तो एलिफेंट को मिलाएंगे हम लोग असम से, फ्रूट्स पेरिसेबल आइटम्स, शिप्स जो है ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ट्रक को बिग सिटीज, फेरीज को कोल्ड स्टोरेज से। अब देखिए डी सेक्शन में है, क्वेश्चन सर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि आपको दो फैक्टर बताना है जो हेल्प करता है मोड सेलेक्टिंग में। तो सबसे पहले इसका आंसर यहाँ पे करिएगा, देखिए बता दे रहे हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन का, यहाँ से लेकर द सिलेक्शन डिपेंड पे अपन द डिस्टेंस टाइम एंड मनी दे आर वांट टू स्पेंड ऑन ट्रेवल, ये नंबर वन हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन रूरल रोड्स, व्हाई आर दे यूज बाय द फार्मर, फार्मर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, और क्या क्या मतलब कि यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूरल ट्रांसपोर्ट से यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं ट्रक्स तक। ये हो गया हमारा टू का कम्प्लीट। अब आते हैं थ्री नंबर में, थ्री नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ही है। इसमें कहा है कि आपको फाइव आइटम्स को बताना है जो शहरों से गांवों में जाता है और जो गांवों से शहरों में जाता है। तो हम लोग लिखेंगे फाइव आइटम दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिटीज टू विलेज। तो इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख भी दिए हैं। देखिए यहाँ पे व्हीट है, राइस है, शुगर केन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है, इसमें लिख सकते हैं। और एंड करके लिख सकते हैं वेजिटेबल्स, यानी कि एंड करके लिखेंगे ये विलेज टू सिटीज आर। अब देखिए विलेज से सिटी में क्या क्या जाता है, तो यहाँ पे विलेज से सिटी के लिए अब बता देते हैं क्या था। अच्छा विलेज टू सिटी, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ना लिख कर आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विलेज टू सिटीज़ के लिए आप कर सकते हैं, विलेज से शहर में क्या क्या जाता है, व्हीट, राइस, ट्रक, वेजिटेबल्स एंड शुगर केन, यहाँ पर शुगर केन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लिख सकते हैं। और सिटी टू विलेज के लिए करिएगा आप ये, गैस सिलेंडर, लाइट मशीनरी, टेक्सटाइल, स्कूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये लिख सकते हैं। या तो वो वहाँ से लिख लीजिए या तो यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों किया हुआ था इसलिए यहाँ से ही लिखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं। बोल रहा है हाउ डज एयरवेज स्कोर ओवर रेलवे एंड रोडवेज, कह रहा है कि एयरवेज जो है किस तरह रेलवे और रोडवेज से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बिकॉज इट रीच ए फार ऑफ प्लेस वेरी क्विकली। देखिए एयरवेज जो होता है ना रेलवे और रोडवेज से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, इसलिए ये हमें कम टाइम पे किसी भी जगह पहुँचा सकता है बहुत दूर जगह। इसके बाद बोला नंबर फाइव में लिस्ट थ्री एडवांटेज ऑफ इंडिया हैज़ वाटर ट्रांसपोर्ट विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब देखिए क्या क्या एडवांटेज है फाइव नंबर का, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग फाइव नंबर के लिख सकते हैं, शिप से लेके आप यहाँ पे प्रिंटिंग तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी सेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं ई सेक्शन में। तो देखिए ई सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मेंशन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए नंबर वन है ई का, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखते हैं। देखिए ई का वन यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, देयर से आप लोग लिख सकते हैं, और इसे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना।
ये आप यहाँ तक लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मॉडर्न टाइम, ठीक है ना, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब नंबर टू में बोल रहा है थ्री वे टू रिड्यूस व्हीकुलर पोल्यूशन। अच्छा, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं, तीन तरीका पूछ रहा है। तो ई का आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, तो देखिए ई का टू जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं एफर्ट से, एफर्ट से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। अब आते हैं ई का थ्री, ठीक है ना, ई का थ्री भी आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे है वाई इज ए ब्लॉक आर्ट कॉल्ड ए फार्मर फ्रेंड। देखिए फार्मर फ्रेंड क्यों कहते हैं ब्लॉक आर्ट को, ठीक है, तो बिकाउज से आप लिखिएगा, बिकाउज से लेकर यहाँ पे देखिए ई का थ्री आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे हाँ दा से, ठीक है, यहाँ से दा से लिखिएगा, जो आप यहाँ पे मार्केट तक लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट है यहाँ तक, यहाँ से। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है ई का थ्री। अब आते हैं ई का फोर, यहाँ पे बोला व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू रिड्यूस ट्रैफिक जाम इन सिटीज, सिटीज में जो ट्रैफिक जाम होता है उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ई का फोर आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ये ई का फोर का है, ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं ई का फाइव, ई का फाइव थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें बोला है कि मीन्स ट्रांसपोर्ट आर पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स, एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट बाय हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रेलवेज रोडवेज एंड एयरवेज एंड वाटरवेज। तो देखिए ई का फाइव आप लिखिएगा तो यहाँ से लिखिएगा, फर्स्ट शुरुआत करिएगा आप यहाँ से, देखिए ई का फाइव यहाँ से कुछ पॉइंट लिखिएगा, पूरा यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, ई का फाइव हो गया। फिर ई का फाइव यहाँ से देखिए अंडरलाइन जो जो किया वही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा रोडवेज के लिए हो गया, ठीक है, और यहाँ एयरवेज के लिए था, ठीक है ना। और ई का फाइव आपको और भी कहीं पे मिलेगा, देखिए देखिए बता देते हैं आपको, इधर पेज पलटने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ई का फाइव, ये भी ई का फाइव ही है, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये शिप के बारे में है, वाटरवेज के बारे में है, तो तीनों का करना था ना, तो तीनों को यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो पे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।